हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके टी शर्ट के बारे में कि जब भी आप टी शर्ट की शॉपिंग करने जाएं तो टी शर्ट की शॉपिंग करने से पहले आपको इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बहुत ही बेस्ट साइज का आप जो है टी शर्ट ले सकें। किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो फिर लास्ट तक आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप स्टाइलिश दिखते रहे। चलिए फिर बात करते हैं आपके टी शर्ट के बारे में। तो मार्केट में आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत ही डिफरेंट प्रकार के टी शर्ट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। टी शर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं और आप उनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक भी हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको टी शर्ट लेने से पहले। बात करते हैं आपके इसके फैब्रिक के बारे में। तो इसका फैब्रिक जो होता है बहुत ही ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होना चाहिए क्योंकि ऐसे फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिसको पहनने के बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हो। उसमें थोड़ा सा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको चुभने लगे, या फिर ऐसा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आपका हो गया कॉटन, हो गया पॉलिस्टर, हो गया, ये जो फैब्रिक होते हैं थोड़े बेस्ट होते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैब्रिक आते हैं जो कि पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इस तरीके के आप जो है फैब्रिक के कपड़े बिल्कुल भी ना लें अपना टी शर्ट। और उसके बाद करते हैं आपके टी शर्ट के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा लोगो जो छपा हुआ होता है उसमें, या फिर स्टीकर वाला, बहुत ज़्यादा स्टीकर वगैरह वाला भी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप एक दो बार पहनेंगे फिर उसके बाद पहनने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील आपको होने लगता है। तो यदि आप पूरी तरीके से एक सिंपल कलर में सिंपल जो है तरीके से आप टी शर्ट ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आपको दिखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि हम आपको इमेज में दिखाते हुए चलते हैं, आप इसकी भी पहचान इसी तरीके से कर सकते हैं और इसको आप एक बार नहीं कई बार भी पहनेंगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी अलग तरीके से आपको नहीं दिखेगा। बट ये जो स्टीकर वगैरह वाले होते हैं आप एक दो बार पहनेंगे फिर उसके बाद आपको ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, एक ही जगह पे आप बार बार इसको पहन के जा भी नहीं सकते हैं। तो फिर बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, इसके साइज की। तो इसकी साइज आप किस तरीके से चुने, अपने आप को अपने परफेक्ट साइज का किस तरीके से चुनना चाहिए। तो वैसे भी आपको अपना साइज पता ही होगा, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाएं तो आपको वहां पे सारी चीजें दी होती है, आपका वेस्ट एरिया, आपका जो मिड एरिया, आपके शोल्डर के एरिया, सभी चीजों का वहां पे साइज दिया हुआ होता है। आप उसी तरीके से आप जो है वहाँ पे अपना साइज चुन के आप मंगवा सकते हैं, या फिर आप जो ऑफलाइन खरीदते हैं तो आप वहाँ पे जो आप फिटिंग का आप वहाँ पे चेक करके उसके बाद ही आप ले सकते हैं। और उसके साइज की बात करते हैं तो आपका जो शोल्डर का एरिया होता है वो पूरी तरीके से अलाइन होना चाहिए। पूरी तरीके से अलाइन होगा तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं। और इसके आर्म की बात करते हैं, आर्म की बात करते हैं तो इसमें जो आपका जो मिड का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा छोटा भी होना चाहिए। बिल्कुल आपके जो मिड का एरिया होगा, जो आर्म की भुजाएं होती है उसके यदि बीच में होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके वेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वेस्ट एरिया में भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा लूज हो गया, या फिर बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपको वेस्ट एरिया की पूरी तरीके से आपको वेस्ट एरिया में ही रहेगा तो भी ज्यादा आपको अच्छा लगता है और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए मिल जाता है। और जितने भी इस समय के बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जो इस समय के लेटेस्ट जो टी शर्ट चल रहे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके भी रखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। और आपको टी शर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं, आपकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप डायरेक्ट जाके उसको देख लीजिए, आपको नाम पता हो जाएगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जाके उसी टी शर्ट को आप परचेज कर सकते हैं। तो फिर आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए ताकि आप भी स्टाइल बन सकें और वो भी स्टाइल बन सके। सो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सभी चीजों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे भी रखा है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।